अब मौजूदा सूरत हाल में जो शुरू से लेकर अब तक इस वहाबी तहरी के खिलाफ उम्मत मुसलिमा जिन तहफात का इजहार करती रही अब वो चीज़ें खुल के सामने आ गई और मौजूदा मोहम्मद बिन सलमान उसकी शक्ल में जजीरतलरब पूरी तरह यहूद नसारा के पंजे वहाँ मजबूती से गाड़े जा रहे हैं न्यूम सिटी की सूरत में दज्जाल का अड्डा कैम किया गया है और वो अरब की सरजमीन पर यहूद नसारा की स्टेट है जो कि तमीर हो चुकी है और उसमें अजान कुरान दीन इस्लाम इनमें से किसी चीज़ का हवाला नहीं दिया जा सकता और है वो सऊदी अरब के अंदर और फिर चलते चलते जो बेहयाई और फुहाशी के अड्डे खोले गए और फिर पिछले दिनों अस्सी हज़ार का एक अजतमा किया गया और फुहाशी गैदरिंग थी जिसमें कलमातुल्ला की इतनी तोहिन की गई कि पर्च में सऊदी अरब जिसपे कलमा लिखा हुआ है उसे नंगी औरतों ने अपने बदन से लपेटा और उसको हाथ में पकड़ के उस झंडे को डांस किया और यहूदों न सारा के वहां पर सकालर उसमें शरीक हुए अब उसके बाद जो है वो उसी सरजमीन पर क्रिसमस की शक्ल में दीन इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ा हमला किया गया और ये हम उम्मत मुसलिमा के लिए उम्मत मुसलिमा के उलमा के लिए उम्मत मुसलमा के जितने भी बेदार मगज़ लोग हैं हम सब के लिए ये बहुत बड़ा अलार्म है ख़तरे का कि यह सरजमीन मुक़दस जहाँ पर और यानी फुहाशी की किसी एक चूंटी का रींगना भी बर्दाश्त नहीं था वहाँ पर यह बदमस्त हाथी शरीय मुताहरा की दजियाँ उड़ा रहे हैं और फिर हर अगले दिन यहद नसारा की खुशनुदी के लिए काम किया जा रहा है अब जो कुछ अभी 25 दिसंबर को हुआ इसके लिहाज से मुख्तलिफ अखबार में जो सुर्खियाँ लगें लेरतिन सऊदी यून यह तफी अब ईदीलाद शजरत क्रिसमास ये इस तरह की तस्वीरें यानी वो सरजमीन जहाँ पर ईद मीलाद का लफ्ज़ आज बिल आखिर इस्तेमाल हुआ सरकारी सरपरस्ती में तो क्रिसमस के लिए हुआ जहाँ सरवर कौन हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वसम की विलादत बासादत के लिए ईद मिलाद का लफज शिरक करार दिया गया बिदत करार दिया गया और जिसने घर में भी मुनद की उसको कोड़े मारे गए जेलों में डाला गया कि तुमने ये काम क्यों किया तो उसके श, 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 र, के अंदर सरकारी सतह पर इतने के साथ क्रिसमस का इस मरतबा उन लोगों ने अहतमाम किया दस ये जो अखबार है इसके अंदर मर्राफी तारीख अल ममका अल सऊदिया तहताफिर बिल क्रिसमास बेशाजर तक है पहली मरतबा सऊदी अरब में सरकारी तौर पर क्रिसमस का जश्न मनाया गया और क्रिसमस में वो जे जो जो क्रिश्चन है उनकी तकरीब है इसका हर हरगरत ईस आसलम की विलादत की खुशी से नहीं चूंकि उनकी विलादत की हर खुशी मिलाद मोहम्मद सल्ला व ही मौजूद है उनका यह मनाना एक शिरकिया तकरीब है जिसमें उन्हें माजल्ला का बेटा कहकर वो कम अज कम ये लफ़्ज़ तो जरूर बोलते हैं उस तकरीब में और ये बहुत बड़ा शिरक है बहुत बड़ा कुफर है इस्लाम से कुरान से बगावत है तो इस तकरीब का वहाँ पर जो है वो इनका किया गया और फिर इसके लिए जो क्रिसमस ट्री है वो होटलों में सड़कों पर वो लगाए गए और इतना यानी हमें मिलाद की झंडियों से रोकने वाले बेलाखिर यहां लिखा है कि 11 मिलियन डालर का क्रिसमस ट्री बनाया गया 11 मिलियन डालर क्रिसमस ट्री पर लगाए गए और ये इस अंदाज में सरजमीन मोहम्मद अरबी सल्लाम पर जिसके बारे में हमारे आकाश आखिरी लफ्ज़ जो बोले थे दुनिया से जाते हुए फर्म आखिर अरब के यहूद व नसारा को अरब से निकाल दो ये अरब जो है ये मोहम्मद अरबी का जजीरा है ये यहूद व नसारा के परीद कदम यहाँ से खत्म हो आखिर नसारा मिन जज़ीरतलरब यानी संद के साथ ये रसुल पाक की ये के साबित हैं और ये मौजूदा हुमरान जो हैं इन्होंने उनको यहाँ पर अड्डे दिए छौनियाँ दी शहर कर दिए और फिर उन्हीं की सूरत में ये सब कुछ आगे बढ़ा रहे हैं एक जुमला हम कहें कि अगर वहाँ पर क्रिसमस की इजाज़त है तो ईद मिलादुलनबी सल व्ल् की इजाज़त क्यों नहीं तो ये वैसे तो ये जुमला ठीक है लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो ईद नबी सल अलैहि वसल्लम और क्रिसमिस का तो आपस में कोई ही नहीं क्रिसमिस जो है जिसके अंदर शिरकिया जुमले हैं शिरकिया कलमात हैं और एक हराम अमर है वो हराम हो के भी इन लोगों के नज़दीक हलार हो गया जायज़ हो गया जो और दूसरी तरफ रसूल पाक सल्ला वसलम की आमद की खुशी वो अल्लाह की सबसे बड़ी नमत का शुक्रिया अदा करना है और खाल कायन जला जलालहू कि रसूल सल्ला की आमद की खुशी है जिसका हुक्म कुरान में है सुन्नत में है जिसके लिए हमारे पास चौदह सदियों के अंदर ताम मौजूद है लेकिन वो इन्हें नसीब नहीं और ये दुनिया के सामने इनका जो वो छुपा हुआ बुख्ज़ नबी था उसका इजहार होना था कि आज यानी ये पांच बंदे भी जमा नहीं होने देते रियासत की सड़कों पर बाराणबी शरीफ को कि पाँच बंदों का जुलूस भी ममनू है ये नहीं कर सकते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी पर लेकिन दूसरी तरफ जो है उन्हें ख़ुद वो जिन का लगाया हुआ पौधा है और जिन के लिए वो काम कर रहे हैं अब बिल आकर वहाँ के मुफ्ती भी खामोश हैं यानी जो अभी चंद दिन हुए वो तशरीफ़ालहमान मेरे खिलाफ उसने वहाँ से तकरीर जो है वो की कि मेरे जो ईद मिलादुलनबी सल वसलम के दलाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश में लेकिन उनको इतनी हया नहीं कि वो इधर तो ईद मिलादी सल वसलम को अब भी रोक रहे हैं और उधर जो है वो क्रिसमस के लिए इतनी तैयारियां करके और फिर इतनी दाद वसूल कर रहे हैं वैसे और ये मुसलसल की तरफ से कई सालों से इस सिलसिला की तैयारियाँ हो रही थी और बिल अब वो सूरत जो है वो सामने आई